कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने करोड़ों कर्मचारी को जल्द खुशखबरी दे सकता है। संगठन ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दरें पहले ही निर्धारित कर दी है और अब जल्द ही खातों में ब्याज का पैसा आना शुरू होगा। ईपीएफओ ने पिछले वित्त वर्ष के लिए पीएफ पर 8.10% का ब्याज निर्धारित किया है, जो इसी महीने कर्मचारियों के खातों में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। हालांकि इस बारे में ईपीएफओ या सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पहले भी कयास लगाए जा चुके हैं कि इस बार पीएफ के ब्याज का पैसा जल्दी ट्रांसफर होगा। अगर पिछले साल की बात करें तो दिवाली के आसपास ब्याज का पैसा आना शुरू हुआ था। कर्मचारियों ने ब्याज दरें तय होने के बाद से ही पैसा खाते में आने की उम्मीद बांध रखी है। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो ईपीएफओ 30 जून तक पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। हालांकि अभी ब्याज दरें तय करने पर वित्त मंत्रालय की मुहर लगना बाकी है, लेकिन माना जा रहा है कि वित्त मंत्रालय ईपीएफओ की ओर से की गई 8.10% ब्याज दर की सिफारिश को मान लेगा।